स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट, और कंपनी अकाउंट के अंदर जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की बुक के। पिछले कुछ लास्ट लेक्चर की बात करूं तो मैंने वहां पर अभी तक आरबीएससी बुक का जो चैप्टर नंबर 5th है, अकाउंटेंसी की बुक का चैप्टर नंबर 5th यानी कि लेखा शास्त्र की आपकी किताब का चैप्टर नंबर 5वां जो कि कंपनी अकाउंट है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आंकिक प्रश्न हम कर रहे हैं। और उसके अंदर अभी तक जो है हमने लगभग कर लिए हैं 9 क्वेश्चन। ये मेरे सामने बुक है और इसके 9 क्वेश्चन जो है मैंने अपन ने कर लिए और मैंने करवाए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे, मॉडर्न लिमिटेड, और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11th अग्रसेन लिमिटेड भी कर ले। तो ये दो क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, 10th क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, उसके बाद अगर समय मिला तो 11th क्वेश्चन भी करेंगे, या फिर आपको थोड़ा समझा के छोड़ देंगे, आप घर पे भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 11th ट्राई। दोस्तों, 10th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल दीजिए, उसके अंदर आप चैप्टर नंबर 5th निकाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10th निकाल दीजिए, आंकिक प्रश्न। बुक नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी जो है वो है @commerce_wale_guruji। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके लिखेंगे @commerce_wale_guruji, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इस बुक का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी मकवाना MAKWANA_Suresh1। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 मॉडर्न लिमिटेड, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मॉडर्न लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 @11 per share। मॉडर्न लिमिटेड जो है वो शेयर इशू कर रही है, मॉडर्न लिमिटेड क्वेश्चन 10, शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, एक ₹10 का है लेकिन उसको इशू कितने में कर रहे हैं, ₹11 में, तो प्लस ₹1 क्या हो गया, ₹1 प्रीमियम हो गया। 10 का शेयर अगर इस 11 में इशू करेंगे तो ₹1 का क्या हो गया, ₹1 का प्रीमियम हो गया। ओके, अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, अमाउंट इस प्रकार से पेबल है, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, एप्लीकेशन पे कितने हैं ₹3, अलॉटमेंट पे कितने हैं ₹4, लेकिन ये विथ प्रीमियम है लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसमें प्रीमियम शामिल है तो प्रीमियम को हम अलग कर देंगे, प्रीमियम ₹1 है, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। फिर बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो बैलेंस अमाउंट हम मंगा रहे हैं, लिखा हुआ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो कितने रुपए है, ₹4। अच्छा, बैलेंस क्या दिया हुआ, ये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। तो अब इसकी टोटल कितनी होनी चाहिए, 10 प्लस 1 प्रीमियम का ₹11। ओके सर, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, इशू 10,000 करना चाहते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 12,000 की, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, प्रोरेटा टेबल बनेगी, तो 12,000 शेयर, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 12,000। ओके, एंड डायरेक्टर एलोटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, इन सबको डायरेक्टर जो है वो कैसे शेयर एलोट कर रहा है, प्रोरेटा बेसिस पे शेयर एलोट कर रहा है, मतलब 12,000 को कितने शेयर देंगे, जितने हमारे पास है, हमारे पास है कितने 10,000 शेयर, तो इतने शेयर मांगे थे और इतने हमने दे दिए, ठीक है, मांगे इन्होंने 12,000 थे लेकिन हमारे पास 10,000 ही थे, वो 10,000 पूरे के पूरे इशू कर दिए, इसको प्रोरेटा बेसिस पर शेयर इशू करना, हिंदी में यथानुपात बंटन भी बोला जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं,
राकेश हु अप्लाइड फॉर 240 शेयर्स पेड कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। एक राकेश है, कौन है राकेश है, इधर लिख देते हैं। देखिए बेटा, एक है हमारा राकेश, राकेश ने अप्लाई किया था 240 शेयर के लिए, तो उसने मांगे कितने थे 240, अब उसको दिए कितने होंगे वो तो पता नहीं, दिया हुआ नहीं, अपन निकाल सकते हैं उसको, है ना। हु अप्लाइड, अप्लाइड मतलब उसने मांगे थे 240 शेयर पेड कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी चुकाई, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया अलॉटमेंट के साथ ही क्या चुका दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कब चुकाई, अलॉटमेंट की डेट को चुका दी, तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। ओके सर, फिर है आगे पढ़ते हैं, सुकेश टू हुम 100 शेयर वर अलॉटेड। इस बार जो सुकेश है उसको अलॉट कितने किए, अलॉट मतलब उसको दिए हैं, है ना, उसने मांगे कितने वो नहीं दिया हुआ, हाँ उसको दिए कितने हमने, अलॉट मतलब देना, उसको दिए हमने 100 शेयर। ये क्या कर रहा है, वर अलॉटेड पेड अलॉटमेंट वाली अलोंग विथ कॉल मनी, मतलब सुकेश ने जो है वो एप्लीकेशन चुकाई, ओके, अलॉटमेंट जब इससे मांगा इसने नहीं चुकाया, लेकिन जब इससे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब इससे मांगी, क्या मांगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में जो अलॉटमेंट इसने पहले नहीं चुकाया था अलॉटमेंट की डेट को, वो इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट को पे कर दिया। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर है, बाद में उसका पेमेंट हमारे पास आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, हाँ सर, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्री करनी है। ओके ठीक है, करते हैं सर। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा आई है, जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन केस में हमेशा क्या होता है, प्रो रेटा टेबल बनाई जाएगी। तो प्रो रेटा टेबल, प्रो रेटा टेबल को आप एनालिसिस टेबल भी बोल सकते हैं, ये आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा शेयर इशू, शेयर कितने इशू करना चाहते हैं बेटा, छोटी सी टेबल बनेगी एक लाइन में, 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 12,000 शेयर के लिए। एप्लीकेशन के साथ में क्या आई होगी, एप्लीकेशन मनी, कैसे, 12,000 शेयर जिन्होंने मांगे, 3 रुपये के हिसाब से कितने जमा करा दिए होंगे, 36,000, हाँ सर 36,000, 36,000, ओके। फिर इनको शेयर इशू किए होंगे, इनको शेयर कितने दिए, जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे थे उनको शेयर कितने दिए, 10,000 शेयर दिए, तो 10,000। तो इनकी एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी है, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एक्चुअल में 10,000 शेयर दिए हैं इनको, तो 10,000 एप्लीकेशन के 3 रुपये, तो इनके बनते हैं 30,000 रुपये। इन्होंने 36,000 रुपये जमा कराए लेकिन बनते 30,000 हैं, क्यों, क्योंकि 12,000 शेयर मांगे थे इन्होंने, तो 12,000 के हिसाब से इन्होंने 36,000 रुपये जमा करा दिए, लेकिन शेयर दिए इनको 10,000, तो इनके रुपये बनते हैं 30,000 एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि ये प्रोरेटा टेबल एप्लीकेशन की डेट की बनती है। तो इन्होंने एक्सेस मनी कितनी जमा करा दी, इन्होंने एक्सेस मनी जमा करा दी 36,000 माइनस 30,000, 6,000 रुपये। इस मनी को हम अलॉटमेंट में डाल सकते हैं, हम इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाल सकते हैं, और हम इसको रिफंड कर सकते हैं। जी सर, तो अलॉटमेंट में अगर जब हम इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो कितना मांगेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 = 4, 40,000 रुपये अलॉटमेंट के इनसे मांगने हैं, लेकिन इन्होंने अलॉटमेंट, हमारे पास एक्सेस पैसा कितना है, 6,000 ही है, तो अभी तो हम अलॉटमेंट में 6,000 ही डाल सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बनते कितने हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000, 40,000,
तो 40 में से 6 अभी पे कर दिए, तो 34,000 34,000 बाद में जब इनसे मांगेंगे तब ये पे करेंगे। 6,000 ही एक्सेस थे, 6 पूरे के पूरे अलॉटमेंट में डाल दिए, फिर भी अलॉटमेंट पूरा चुका नहीं पाए हैं, तो बाद में जब मांगेंगे तब लोग चुका देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल कॉल और रिफंड के लिए कुछ भी बचा नहीं। यहाँ हम कर लेते हैं टोटल, जैसा कि प्रोरेटा टेबल सेम वैसे बन रही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनी थी, 10,000, 12,000, 36,000, 10,000, 30,000, 6,000 और यहाँ कुछ नहीं। आई अपने फर्स्ट एंट्री की बारी एप्लीकेशन की। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ओके सर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं, यहाँ एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, 36,000। जब टेबल बनती है तब हम ये वाली ही लेते हैं, थर्ड कॉलम वाली। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए थे, 36,000 रुपए, क्योंकि इन्होंने 12,000 शेयर मांगे थे। सेकेंड एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जितने से क्रेडिट है उतने से क्या हो जाएगा, उतने से सर डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कितने से है, 36,000 से, तो डेबिट भी कितने से हो जाएगा सर, 36,000 से जो है वो डेबिट हो जाएगा, ओके। इस 36,000 में से एप्लीकेशन का एक्चुअल पैसा कितना है, वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 30,000 रुपये। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी है, 30, तो 30,000 तो यहाँ आ जाएगी। बाकी का जो पैसा है वो हमने कहाँ डाला आगे, एक्सेस वाला अलॉटमेंट में, तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6,000 रुपये। कॉल्स इन एडवांस इधर नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है इधर, रिफंड भी कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। और देखो बराबर भी आ रहा है ना, कैसे बराबर आ रहा है, दोनों डेबिट और क्रेडिट कितना हो रहा है, 36 और 36। हाँ, अब देखिए ध्यान से, आप थर्ड एंट्री करते हैं हम अलॉटमेंट की, और एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया है, और एक भाई है जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी चुका दी है। ये सब एडजस्टमेंट ड्यू वाली एंट्री के बैंक वाली एंट्री के साथ होंगे इसके हमेशा, क्योंकि पैसे का लेन देन है, ड्यू तो हम पूरा ही करेंगे। तो हम ड्यू कर लेते हैं पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या है, 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। कैपिटल में क्या आती है, हमेशा कितनी बार ही बताया, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 3 रुपये, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। अलॉटमेंट में फेस वैल्यू 3 रुपये, टोटल शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 40,000, यहाँ आ जाएंगे आपके कितने, 30,000 कैपिटल में, और 10,000 कहाँ आ जाएंगे, प्रीमियम में, ठीक है। मतलब 40,000 अलॉटमेंट के लेने हैं लोगों से, उसमें से 30,000 फेस वैल्यू है, 10,000 प्रीमियम है। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ें आएगी, एक तो कॉल्स इन एरियर आएगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट चुकाया नहीं है, और कॉल्स इन एडवांस आएगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट एडवांस में चुकाया है। कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट होती है, बाद में मिलेंगे। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी है, पैसा पहले मिल गया, ड्यू डेट से पहले मिल गया, एक बार बताया भी था मैंने आपको ये सब। तो बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट है, डेबिट है, उतने से ही क्या होना चाहिए, क्रेडिट, ठीक है, बताया था सर आपने, हर बार यही करते हो, हाँ सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, बीच में दो एंट्री और आएगी, दो मतलब डेबिट क्रेडिट होंगे। हाँ, अब देखिए, मैंने बोला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, डेबिट कितने से, 40 से, तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए, 40 से, लेकिन 6,000 पहले ही क्रेडिट हो चुका है,
तो 40 डेबिट, 6 पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो अब क्रेडिट कितने से होगा? 34 से, और सही भी है ना। टोटल अलॉटमेंट में कितने रुपए आने हैं? 40,000 रुपये। उसमें से पहले ही कितने आ गए देखो, पहले आ गए थे यहाँ 6,000 रुपये, पहले ही आ गए थे ये देखो अलॉटमेंट में, पहले ही 6,000 आ गए, अब कितने आएंगे? 34,000। ओके, कॉल्स इन एरियर है, सुकेश ने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं चुकाए हैं। तो कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा हमें लोगों से, सुकेश से लेना है, और जब किसी से पैसा लेना बाकी हो तो अपन को पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, तो अपने लिए एसेट है, डेटर है एक तरह का। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सुकेश को शेयर कितने दिए? 100 शेयर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट मुझे बनाना पड़ेगा, आपको भी ध्यान से देखना पड़ेगा, कल वाला है एक चीज़ आएगा, क्या आएगा? पहले मैं सुकेश वाले कर रहा हूँ, ठीक है सर। सुकेश के जो है, आप इतना बताइए, सुकेश जो है उसकी अलॉटमेंट कितनी बनती है? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा? सुकेश का जो अलॉटमेंट ड्यू होगा वो होगा 100 शेयर पर कितने रुपए? अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं? अलॉटमेंट में 3 और 1 4 रुपए हैं, तो 4 रुपए। तो सुकेश का ड्यू कितना होगा? 400 रुपए अलॉटमेंट ड्यू। लेकिन सुकेश ने कुछ पैसा एडवांस में चुका दिया था, एडवांस अलॉटमेंट आया था। कैसे आया था एडवांस अलॉटमेंट? क्योंकि सुकेश ने भी ज़्यादा शेयर मांगे होंगे, भले उसको अभी 100 शेयर दिए हैं, सुकेश ने मांगे तो ज़्यादा शेयर होंगे, जिसकी वजह से उसका कुछ पैसा एक्सेस हुआ था, और एक्सेस वाला पैसा कहाँ गया? अलॉटमेंट में गया। तो सुकेश का भी कुछ पैसा अलॉटमेंट में गया हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि सुकेश के पूरे 400 रुपये बाकी है, हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सुकेश ने भी पहले एडवांस में अलॉटमेंट पे किया है। अब हमें पता करना है कि सुकेश ने पहले एडवांस में अलॉटमेंट पे कितना किया है, तो वो हम पता करते हैं। वो कैसे करना है, वो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही सेम पता करेंगे। कैसे सर? अभी बताता हूँ बेटा। ये इससे पता करेंगे, हम निकालेंगे पर शेयर कितने रुपए चुका चुके हैं, ठीक है ना? तो आ जाएगा आपका पर शेयर, जब हम पता करेंगे तो आ जाएगा। देखो कैसे सर, जिन्होंने भी अलॉटमेंट चुकाया, एडवांस अलॉटमेंट जो चुकाया है, वो पर शेयर निकाल देते हैं अपन। क्या निकाल देते हैं? पर शेयर। कैसे? देखिए, एडवांस अलॉटमेंट पर शेयर, टोटल एडवांस अलॉटमेंट कितना पे हुआ है? 6,000 रुपये एप्लीकेशन की डेट को, 6,000 रुपये। कितने शेयर पर? 10,000 शेयर पर। तो पर शेयर एडवांस कितने गए? 0.60 रुपये पर शेयर एडवांस गए हैं। पर शेयर एडवांस गए हैं कितने? 0.60 रुपये, यानी कि 60 पैसे एडवांस गए हैं पर शेयर। सुकेश के पास कितने शेयर है? 100 शेयर हैं। तो इसने कितना एडवांस पे किया होगा? इसने एडवांस पे किया है 60 रुपये। कहने का मतलब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है उसका 400 रुपये। कैसे? 100 शेयर हैं उसके पास में, और अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? 3 और 1 4 रुपये। तो 400 रुपये अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, लेकिन सुकेश ने 60 रुपये पहले ही एडवांस में चुका दिए हैं। तो सुकेश के कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, ये देखिए, कॉल्स इन एरियर 400 ड्यू होते हैं, 60 पहले ही पे कर दिए, माइनस कर देंगे तो 340 रुपये। और आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर 340 रुपये। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा आपका 340 रुपये। ओके सर, समझ में आ गया हमको। तो ये जो था वर्किंग नोट, ये पूरा सुकेश के बारे में था, है ना? ये किसका था वर्किंग नोट? ये वर्किंग नोट फर्स्ट कर सकते हैं सुकेश का। अभी ऊपर मेरे को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि राकेश का भी मुझे देखना है, तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आपने वैसे ही ये लिख ली होगी, ठीक है? स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। अब देखिए, राकेश ने क्या किया, राकेश ने अलॉटमेंट तो पे कर दिया, तो अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
राकेश ने अलॉटमेंट पे कर दिया, कुछ पहले पे एडवांस में कर दिया था, कुछ अभी कर दिया, तो अलॉटमेंट तो पूरा पे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे कर दी। किसके साथ में? अलॉटमेंट के साथ में। तो इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी कितनी, ये जो राकेश है इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी ड्यू होगी? सर इसकी ड्यू होगी 240 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये ना, 4 रुपये बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 240 शेयर तो इसने मांगे हैं, इसको दिए शेयर तो कम होंगे, और जो शेयर इसको अलॉट हुए हैं हम हमेशा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हमेशा अलॉटमेंट उस पर मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, शेयर मांगे 12,000 थे लेकिन शेयर दिए कितने, 10,000। तो अब हम जब भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मांगेंगे वो 10,000 पे मांगेंगे ना। लेकिन यहाँ राकेश के केस में अपन को कितने दिए वो नहीं दिया हुआ है, कितने मांगे वो दिया हुआ है। तो मांगे से तो हम कभी 12,000 से क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करते हैं, हम तो जितने शेयर दिए हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा राकेश, जो राकेश है उसको शेयर कितने हमने दिए। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स एलोटेड टू राकेश, राकेश को कितने शेयर अलॉट किए। तो वो कैसे होगा कि जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे उनको हमने दिए 12,000 शेयर, तो जिन्होंने 240 शेयर मांगे उनको कितने दिए। तो ये आ जाएगा आपको इसको कितने शेयर अलॉट किए, यानी कि इसको कितने शेयर दिए। तो देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 और 10,000 सॉरी डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 240, 199.999 राउंड फिगर करेंगे तो 200 शेयर। तो राकेश को कितने दिए हैं, 200 शेयर दिए हैं। तो इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किस पे बनेगी, 200 शेयर पर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसकी कितनी होगी, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये, तो कितने हो गए 400 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने हो गए, 400 रुपये। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 400 रुपये हैं, लेकिन ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसको कब पे करनी थी, जब इनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे तब। लेकिन इस राकेश ने क्या कर दिया, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 400 रुपये किसके साथ चुका दिए, अलॉटमेंट के साथ चुका दिए। तो मतलब कॉल्स इन एडवांस आ गया कंपनी के पास, और कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी होती है। क्यों, पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ आना है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कब मांगेंगे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी मांगेंगे तब आना था, फ्यूचर में आना था, लेकिन मिल गया अलॉटमेंट पे पहले मिल गया, जब अलॉटमेंट मांगा तब मिल गया, तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। और कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि पैसा पहले मिल गया संभाल के रखना उसका। तो पहले पैसा मिल गया तो ये कॉल्स इन एडवांस क्या होगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बेटा मैंने बोला था हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बेटा, 400 रुपये इसने कॉल्स इन एडवांस चुकाए, 400 रुपये। और आप चेक कर सकते हैं कॉल्स इन एडवांस ये 400 नहीं है, ये 800 है, थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हो गया। ये देखिए 200 को 4 से थोड़ी करना है, 200 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 800 रुपये आएगा। सॉरी हाँ मैंने ध्यान दिया नहीं, थोड़ा समझाने के चक्कर में पूरा मेरा ध्यान आपको समझाने में था, बस वो मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी पूरा सही है, अपना कॉन्सेप्ट वही है। हाँ भाई कि 200 शेयर राकेश को दिए थे 4 रुपये के हिसाब से, उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी होती है, 800 रुपये। वो कब आनी थी, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगती, लेकिन हुआ क्या, वो अलॉटमेंट के साथ में आ गई, जिसकी वजह से वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, कॉल्स इन एडवांस है, और लायबिलिटी कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होती है, और कितने रुपए से, 800 रुपए से। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए बेटा
800 रुपये आ रहा है ना, हाँ वो मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया था, ओके। अब आप क्या कीजिए, बैंक में बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। बैंक में क्या होगा, 34,000 रुपये आने चाहिए थे किसके, अलॉटमेंट के, ठीक है, और 800 रुपये एडवांस आ गए किसके, किसके आ गए, कॉल्स इन एडवांस के, टोटल 34,800, जिसमें 340 रुपये आए नहीं कॉल्स इन एरियर के, तो बैलेंसिंग फिगर में 34,460 रुपये आ गया बैंक के अंदर, या बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते। ओके सर, अब सर बस दो एंट्रियां और कर दीजिए फिर। वाह, हाँ जी बिल्कुल करेंगे हम दो एंट्रीज, और इसमें फर्स्ट एंट्री आपके सामने है, एंट्री नंबर 5th, ड्यू की एंट्री है ना, ड्यू की एंट्री तो यहाँ शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं अपन, तो ड्यू की एंट्री करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने होंगे, शेयर कितने दिए 10,000, कितने रुपए, 4 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ड्यू तो पूरे से करेंगे, कितने से, 40,000 से ड्यू, तो हाँ सर ड्यू पूरे से करते हैं, ओके। फिर है इसके बैंक की एंट्री, हाँ इसमें देखना 6th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। देखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अब बेटा यहाँ देख सकते हैं आप कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट 40,000 से हुआ और कहीं क्रेडिट नहीं हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 40,000 से ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कॉल्स इन एरियर हमने पहले जो क्रिएट किया था ये, ठीक है ना, हाँ जी, तो यहाँ देख सकते हैं आप इसने क्या किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, किसी ने कॉल से एरियर किया क्या, नहीं, यहाँ पर भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यहाँ पर भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, और सब पे हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ अब ये देख सकते हैं कि पहले अपन सुकेश को लेते हैं, सुकेश में देखिए सुकेश क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, जो ये देखिए ये कॉल्स इन एरियर ये क्या था, ये था अलॉटमेंट का पैसा, ये कॉल्स इन एरियर था कितना, 340 रुपये, ये हमारे लिए एसेट थी, क्यों, हमें सुकेश से पैसे लेने थे, लेकिन अब फर्स्ट कॉल के साथ सुकेश ने ये पैसे हमको दे दिए, तो ये एसेट अब हमारी एसेट रही क्या, नहीं, तो ये एसेट को क्या करना है, कम करना है, और एसेट को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, या फिर इस एंट्री को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट, तो यहाँ हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर, यानी कि उस एंट्री को हम ख़त्म कर रहे हैं, उस हमारी एसेट को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब पैसे मिल गए हैं जो अलॉटमेंट के नहीं मिले थे, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल गए हैं, तो यहाँ डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दिया, कितने से, 340 से, ओके सर। अच्छा सुकेश का तो समझ में आ गया सर, अब आ जाते हैं राकेश पर, राकेश ने क्या किया था, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर दिया था, ये देखो ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के साथ में इसने क्या किया था, ये फर्स्ट कॉल वाला है तो अमाउंट है, ये कॉल वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला, 800 रुपये है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन इसने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कहाँ करी थी, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉटमेंट में पे करी थी, तो हमारे लिए वो क्या हो गई थी, लाइबिलिटी हो गई थी, पैसा एडवांस में मिल गया था, लेकिन अब तो वो दिन आ गया, तो अब तो लाइबिलिटी रही नहीं, क्यों नहीं रही, क्योंकि ड्यू डेट आ गई, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था, अब हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितने से, क्रेडिट कितने से था, 800 से, अब डेबिट कर देंगे 800 से डेबिट, बैंक में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं, 40,000 क्रेडिट में
प्लस 340 क्रेडिट में, क्रेडिट हो गया टोटल 40,340, डेबिट है 800 रुपये, लेस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया 39,540 बैलेंसिंग फिगर। किया क्या है, कॉल्स इन एरियर को ख़त्म इसलिए किया है क्योंकि कॉल्स इन एरियर किस चीज़ का था, अलॉटमेंट का, लेकिन अब फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो ये कॉल्स इन एरियर अब कॉल्स इन एरियर नहीं रहा, तो उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये था कि क्या हुआ था कि अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गई थी तो कॉल्स इन एडवांस थी, लेकिन अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट आ गई तो अब वो कॉल्स इन एडवांस नहीं रहा, उसको हम डेबिट कर देंगे। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन, आपके फ्यूचर में काम आने लायक क्वेश्चन। फ्यूचर मतलब अगर आप आगे जाके CA वगैरह करते हैं या आप BCom करेंगे तो उसमें आपके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर कोई भी कॉमर्स के अंदर आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको ये बोला था कि इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11th में करवाऊँगा, लेकिन 11th अग्रसेन लिमिटेड वाला है और ये बहुत ही ईजी है, ना तो इसके अंदर कॉल्स इन एरियर हैं ना ही कॉल्स इन एडवांस है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। और करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 11th वाला क्वेश्चन मैं कराऊं या ना कराऊं। मैंने पढ़ के देख लिया है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो प्रीमियम भी नहीं है बेटा, सिर्फ प्रोरेटा टेबल बनेगी और एंट्रियां होगी, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।